होस्ट रचित पंगाल। आज का व्लॉग जो होगा वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। आज इंटरेस्टिंग क्यों होगा, वैसे तो पहले आज वैक्सीन करवानी है थोर की, हॉस्पिटल लेके जाएंगे इसको, इसका पहला रेबीज का इंजेक्शन लगना है और सेकंड बूस्टर लगना है इसका, वो तो अभी करवाएंगे। उससे पहले आज थोर के लिए मैंने कुछ स्पेशल बनाया है कि इसको ज्यादा कच्चे में रखना है, तो उसके लिए मैं दिखाता हूँ। और थोर की हालत देखना कितने मजे में है वो। आ जाओ वहां से दिखाओ नीचे हो गए, ये देखो ये इसका प्लेग्राउंड बनाया है थोर का, कैसा लग रहा है आप सबको। ये सारा ये जो जितना भी है ना, ये सारे हमने मिट्टी, मतलब कि जो नरम मिट्टी होती है, बालू रेत बोलते हैं। ओए थोर थोर आ जा इधर, थोर इधर नीचे कर दे। इससे ज्यादा मस्ती में आज तक नहीं हुआ भाई, ये देखिए। हाँ ये बिल्कुल नरम मिट्टी है, बिल्कुल ज्यादा नरम है। थोर ये देखना आया थोर आया। तो अब मैं बताता हूँ ये मैंने कैसे और क्यों करा है। ये पहली बात तो मैंने आपको पहले दिखाया था कि मैंने एक मिट्टी का छोटा सा माउंटेन बनाया हुआ था थोर के लिए, वो था पहले। तो अब मैंने इसको बिल्कुल समतल इसलिए बना दिया क्योंकि ये नरम होती है बिल्कुल, और थोर के लेग्स जो है ना वो इससे बिल्कुल हेल्दी रहेंगी, इनको नरम में ही रहना होता है। अब इसकी हालत देखो कितनी गंदी हो गई है, इसको भी नहीं लाऊंगा मैं। थोर खुशी का ठिकाना कहीं नहीं है। तो इसके जो पैर है ना, जॉइंट्स है, ये अच्छे रहेंगे, इनको नरम में रहना होता है, मतलब जो कच्चा इलाका होता है। और अपने घर में टाइल्स वगैरह तो वहाँ इसके लिए इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो बैक यार्ड है प्रॉपर इसके लिए तैयार होने लग रहा है। तो यहाँ पे तो ये हो गया इसके नरम। इसको मैंने बैक यार्ड को दो हिस्सों में बांट दिया, जो ये वाला पार्ट है इसमें बिल्कुल नरम मिट्टी वगैरह छोड़ दी है ताकि इसको ये खेले, रेस वगैरह मारे। और जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे, ये मैंने इतनी डायमेंशन में फिश पॉन्ड बनेगा, ये मैंने इसलिए गीला कर दिया कि थोड़े दिन बाद ये मिट्टी नरम हो जाएगी तो ये आराम से खुद जाए और यहाँ पे प्लांट्स होंगे प्रॉपर। और इस साइड से यहाँ पे इसका थोड़ा फिश पॉन्ड का फिल्टर वगैरह सब चीज इस साइड होगी। तो ये है सारा हमारा बैक यार्ड। और थोर की देख लो आप, थोर खेल रहे, थोर आ जा। हाँ हाँ बढ़िया, और बहुत अच्छा। हाँ इसने अंदर भी मिट्टी खा ली है, चल आया बढ़िया, आया बहुत बढ़िया, चल अभी आने लग रहे। और नो नो हाँ इधर, ये वो एग्रेसिव नहीं है, ये खेल रहा है इस टाइम, और इसको पता है कि एग्रेशन कहाँ दिखाना है और किसको दिखाना है। तो अब बताओ मुझे ये कैसा लगा, आप लोगों को ये मेरा जो आइडिया है ये कैसा लगा है। मेरा घर इससे बैक साइड है, बैक यार्ड हमारे घर का, तो इस साइड ये स्टोर बनाया हुआ है, अगर धूप वगैरह ज्यादा होती है तो इस साइड अंदर बैठ जाएगा ये। थोड़ा सा दिखाते हैं आगे, नीचे हो गए, ये बैक यार्ड है और यहाँ पे थोड़ा स्टोर बनाया हुआ। तो ये सारी चीजें हैं, आने वाले टाइम पे फिश पॉन्ड बनेगा, ये थोर का गेम खेलने की जगह होगी है, और ये आप सबको दिख रहा है, इससे ज्यादा मस्ती कहीं नहीं करता था। कोई नहीं, मिट्टी में गंदा हो रहा है पर इसे नहला देंगे, और डॉग्स को तो पसंद ही है मिट्टी में गंदा होना। तो और तो ये है थोर का प्लेग्राउंड, और ये इसके लिए इनफ है, और यूं नहीं है कि इसे इधर ही खेलेगा, थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा तो इसको बाहर खिलाया करेंगे, पार्क है जो हमारे सेक्टर के पार्क होते हैं वहां खिलाएंगे। और ये यहाँ पे ये मतलब कि यूं समझो सुबह भी रहेगा और शाम को भी, और दोपहर को अंदर रहा करेगा जब गर्मी ज्यादा होती है। अब से इसका ये कर दिया हमने, चल और चलो थोड़ी इसकी प्लेइंग वीडियोस देख लो। हाँ आ जा नहीं नो नो चल आ जा और नो नो मान गया ना देखो।
तो बस अब ये थोर गंदा ज्यादा हो गया है, अब इसको हॉस्पिटल लेके जाना है, तो इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। आओ बेटे, अभी हाथों में कुछ नहीं आएगा। सेट कैसा लगा आप सबको थोर का जो प्लेइंग एरिया मैंने बनाया है, और पीछे का माहौल, बैकयार्ड का माहौल कैसा लगा आपको, वाइब कैसी लगी? अभी वो थोड़ा सा मतलब और बढ़ना है, अभी तो बहुत अच्छे प्लांट्स लगाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। और बाउंड्रीज पे मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब जो ये फ्लावर वाले प्लांट्स होते हैं वो लगाऊं, और पौंड के आसपास बढ़िया एक्वेटिक प्लांट्स लगाऊंगा, तो बहुत अच्छा एक इकोसिस्टम बनेगा, बहुत अच्छी जगह बनेगी। अब बात करते हैं थोर की। मैंने वैक्सीन, जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया था कि थोर की वैक्सीन करा के आनी थी उनको, रेबीज का पहला इंजेक्शन था और थोर का सेकंड बूस्टर लगना था, तो मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से लगे। तो ये रहा थोर का वैक्सीनेशन कार्ड, देख लो एक बार आप, ये थोर का है थोर। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये डीबोनिंग का रिकॉर्ड है, और ये रहा, ये रिथोर की, ये पहला इंजेक्शन था, ये फर्स्ट बूस्टर, फिर ये सेकंड बूस्टर लगा थोर को, और ये रेबीज का इंजेक्शन है। तो ये रहा थोर का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड। तो अब थोर की वैक्सीन हो चुकी है, तो बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अगर कर सकते हो तो, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, अगले वीडियो में मिलते हैं।